हेलो दोस्तों, आप अच्छे होंगे, सलामत होंगे। महमूद खान का आपको नमस्कार। आज हम महसाणा जिला के खेरालू तालुका और साखड़ा गांव के अंदर आए हुए हैं। जो सामने साखड़ा ये रास्ता अडोल की ओर जा रहा है, ये रास्ता खेरालू की ओर जा रहा है, और हम अलका हॉस्पिटल वाले साहब हर्षद भाई डॉक्टर का फार्म हाउस पर एक सांप आया हुआ है, हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी हमारे दर्शकों को महमूद खान का नमस्कार। आज हम महसाणा जिला के खेरालू तालुका और साखड़ा गांव के अंदर आए हुए हैं। जो खेरालू के जाने माने अलका हॉस्पिटल वाले साहब हर्षद भाई का ये फार्म हाउस है। ये सब झाड़ उगे हुए हैं आजू बाजू। और गेट के बाहर सीम विस्तार के अंदर खेत के अंदर एक बहुत बड़ा सांप आया हुआ है, ऐसा हमें मैसेज मिले। हम आए हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं। देखिए, हम सांप का रेस्क्यू करने सामने जो लोग खड़े हुए हैं, वहीं पे सामने हम रेस्क्यू के लेके जा रहे हैं। हमारा जंगल काटा मालूम पड़ा ये भी। ये खड़े भाई बोल रहे थे इसके अंदर सांप घुस गया है और अब निकालने की हम कोशिश करते हैं। उसको सही सामान पकड़ कर हम जंगल विस्तार के अंदर रिलीज कर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, महा मेहनत के बाद हमने इस कोबरा सांप को पकड़ लिया है, जो उस धामन सांप का इसने मारण किया हुआ था। देखिए कैसा हमारे सामने घूर घूर कर देख रहा है। हम पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस टैक्टिकल कोबरा सांप ने हमको पकड़ लिया है, हमने इसको पकड़ लिया है। और इस धामन सांप का इसको मैं इसमें घाट उतारा हुआ था। देखिए, ना पकड़िए कहीं जाए, मौत के घाट उतारा हुआ है धामन सांप है। दोस्तों, इस कोबरा सांप ने इस धामन सांप को मौत के घाट उतार दिया है और हमने भी हमारी जान की परवाह करे बिना इस कोबरा सांप का हमने रेस्क्यू कर लिया है। देखिए कितना तूफान कर रहा है और हमने महा मेहनत के बाद कचरे के ढक के अंदर से इसको बाहर निकाला है। दोस्तों, ऐसे सांप कोई भी आ जाते हैं आपके घर में तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 94263-9 पर फोन कीजिए, हम आएंगे और सांप को फटाफट पकड़ कर जंगल में छोड़ देंगे। इस कोबरा सांप ने इस धामन सांप को
मौत के घाट उतार दिया है। देखिए इस कोबरा सांप ने, इस धामन सांप को मौत के घाट उतार दिया है। हमारे आते आते इस सांप ने एक और सांप का खून कर डाला है और हम फटाफट आए और इस नाक को हमने निकाल कर इस सांप को हम बचा नहीं सके, लेकिन इसको हमने बचाया है। दोनों को अब हम इसको कहीं जंगल के अंदर दफन कर देंगे और इसको जंगल में छोड़ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं हूँ खान का, आपको नमस्कार। आज हम मेहसाणा जिला के खेराल द्वारा साकथरा गांव के अंदर आए हुए हैं और यहाँ हर्षद भाई डॉक्टर का जो फार्म हाउस है वहाँ पे एक नाग नागिन का लड़ाई हो रही थी और इस दामन सांप को, इस कोबरा सांप ने मौत के घाट उतारा है और दोनों को हमने इसको भी सही सलामत पकड़ लिया है। और ये देखो फुफाड़ी लगा रहा है और इस सांप को हम जंगल के रबी दफन कर देंगे और इसको जंगल में छोड़ देंगे। इस काका के फार्म हाउस पर हम आए हैं और सही सलामत दोनों सांपों को हमने रेस्क्यू किया है, अब जंगल विस्तार के हवाले कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये दामन सांप को मौत के घाट उतारा था कोबरा ने और हम इसको यहीं पे दफन करने आए हुए हैं। हमारे आने से पहले कोबरा सांप ने इसको मौत के घाट उतार दिया था, वरना हम इसको मरने नहीं देते। लेकिन हमें भी खेद है और 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आते आते हमने दामन सांप को बचा नहीं सके और कोबरा सांप ने इसको मौत के घाट उतार दिया और इसको हम दफन कर देते हैं वहीं पे। ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। महमूद खान का, हम सांप को जो साखड़ से पकड़ा हुआ था इसको हम जंगल विस्तार के अंदर छोड़ रहे हैं। देखिए हमारा लाइव वीडियो, ये पुराना जंगल है, सब यहाँ से जंगल आ गया है। सांप को जंगल में आज़ाद कर दिया है। धामन सांप को, मौत के घाट उतारने वाले सांप को भी हमने जंगल में जिंदा छोड़ दिया है। और आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चकपरे के ना भूलना नहीं दोस्तों, उनाड़ा सीजन आ गई है, माटे एक कूंडू पानी तुम्हारा घर आग अवश्य बांधो, केम के मुंजा पक्षी ने पानी कोण आपसे इतला जरूर थी, एक कूंडू घर आग बांधो, आवजो एक झाड़ वावजो।